हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंघाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रुको, थोर और हेला का जो नया चैनल बना है, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आप लोग कहोगे वाह रचित भाई, मतलब उस पे हम कुछ और ही करने लग रहे हैं, कुछ और ही चीज को शुरू करने वाले हैं। और उसके ऊपर भाई अभी 12 बजे वीडियो डल जाएगी, पहली वीडियो। मेरे को बहुत अच्छा लगा, कल हम 12-1 बजे तक रात को बैठे रहे क्योंकि दो वीडियो शूट करनी पड़ती है, तो सब चीज कॉन्टेंट भी अच्छा रहे। कल तो एक्साइटमेंट ही इतनी ज्यादा थी, आपने देखा ही है, वो आप चैनल पे देख ही रहे हो। तो भाई जिसने थोर और हेला का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो उसका नाम है टेल्स ऑफ थोर एंड हेला, और उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी जल्दी जाओ और अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। अब क्या भाई, हमने व्लॉग यहाँ स्टार्ट क्यों करा? आदित्य येरा, हेलो आदित्य। हमने व्लॉग यहाँ क्यों स्टार्ट करा भाई? मैंने जैसे कि कहा था कि हमारा एक्वेरियम आ रहा है, तो जस्ट अब मैं निकला हूँ, मैं और आदित्य। कार पापा ऑफिस में लेके गए हैं, तो अब हम ऑफिस में जाएंगे, वहां से कार पिक करेंगे और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे भैया के पास। तो फिर चलो चलते हैं। चलो भाई, पहुंच गए हैं भैया के पास। और ये महेंद्र गुजार भैया, इन्होंने स्पेशली सिर्फ मेरे लिए बनाया है ये, ठीक है। पर आप लोगों को अभी भी दिखाई नहीं गया एक्वेरियम क्या है, बाकी थंबनेल में देख लिया होगा, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, वो ही देखना। चलो भैया से मिला देते हैं। हेलो भैया। हेलो भाई। कई दिनों बाद देख रहे होगे आप व्लॉग में, मेरे चैनल की पहली वीडियो है ना जो, उसमें भी भैया और मेरे साथ है। देख लो आप कितना सा आया था, मैं कितना आता था भैया, कितना छोटा आने लगा होगा। छोटेपन से कम भी फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था, फोर्थ टू फिफ्थ क्लासेस के अंदर में सबसे छोटे, जिस टाइम पॉकेट में पैसे भी नहीं होते थे और बड़े मुश्किल से मछली, दो मछली मोली वाली से स्टार्ट करना, छोटे छोटे प्लांट से स्टार्ट करना, तब से आ रहा हूँ भी आगे पास देख ले। जब मैं लेकिन काफी मेहनत कर कर आके अभी तक एक अच्छे से मुकाम पे पहुंचे। हमने भी काफी मेहनत की, काफी स्ट्रगल किया, काफी टैंक बनाए, काफी एक्सपीरियंस शेयर किए, तो इक्विपमेंट्स हैं सभी बने हैं, टैंक बिगड़े हैं के बाद में सब इस तरीके के चले। वो तो पता है, जो लोग भैया को जानते हैं उनको सबको पता है, जो चीज भैया के पास है और जो नॉलेज भैया के पास है ना, वो नहीं है आसपास किसी को। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरे को देख लो ना, आप छठी क्लास से साथ में अब तक जुड़े हुए हैं और इनसे सीख सीख के मेरे को भी नॉलेज आई है। नहीं, एक और बहुत लोग है पर उनके पास नहीं गया, किसी की दुकान खुली बंद हुई है ना भैया, कितनों की बंद हुई है, कितनों की खुली है? मेरे एक्सपीरियंस में 21 शॉप हिसार के अंदर में बंद हो चुके हैं। हमारे इंडिया में ज्यादातर ठग बैठे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और हम उनकी फेस वैल्यू से लेके उनके पास चले जाते हैं और उनसे पैट्स या कोई चीजें ले लेते हैं, बट वो अपने पैसे के लालच में उन चीजों को मरवा देते हैं, मार देते हैं, नेचर को खराब कर देते हैं, इन बाकी ब्रीड्स को खराब कर देते हैं, या कुछ गलत चीज किसी के साथ में दे देना, कुछ उसका बेचारे कस्टमर का हॉबी इतना खराब हो जाता है, उसको इतना दुख होता है, क्योंकि एक कस्टमर इतने टाइम से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक हॉबी के लिए खरीद लेता, बट वो लोग उसको खराब कर देते हैं। फिर एक बार मछली मर जाती है, पौधे खराब होते हैं, तो फिर आधे से ज्यादा लोग पीछे हट जाते हैं, तो इसलिए पहले अच्छी गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। चलो यार, आप इतने अच्छे प्यार करते मुझे, मैं सोच रहा हूँ पहले ही दिखा देता हूँ, देखना भैया ने क्या बनाया, मतलब मजा आ गया। कोई ऐसे कॉमन नहीं है। अरे देखो कौन बैठे है, बुजुर्ग लोग बैठे, बुजुर्ग लोग भैया की पग है ये, इसके साल तो याद नहीं मेरे को कितनी होगी, पर ये बुजुर्ग है, जब से मैं सिक्स में था तब से तो है ये तो आप देख लो, अब मैंने BSc भी कर ली है। हाँ बेटे, और एक और बात, पूरी दादा है बाहर है, कोई कुत्ता इसको छेड़ नहीं सकता, सबके ऊपर बदमाशी से गिरा दिया, कितना बड़ा डॉग हो। हेलो दिखाते हैं, पहले भी दिखाते हैं, ये DIY टैंक बनाया है ना भैया आपने, ये DIY टैंक है। लॉकडाउन के अंदर में सभी कुछ बंद था, बंद होने के कारण जो है हॉबी भी खराब हो रहे थे, तो मेरे पास में कुछ नहीं था, कुछ टूटे ग्लास थे, शीशे थे, तो मैंने ये टैंक और इसके पीछे ग्लास जोड़ के और इसमें कुछ लावा रॉक्स जोड़ के इन टैंक्स को मैंने बनाया, और सभी कुछ DIY है। पीछे क्रेटर पंप है, ऊपर से पानी लीक हो रहा है, लावा रॉक चिपका है, इसके ऊपर में मॉस था, मॉस खराब हो रहा था,
मॉस लगा लिया, कुछ इंडोर प्लांट्स भी इसमें लगाऊंगा। इसके लिए मैं ग्रो के लिए एरिया का ये बेबी क्यूसा मिस्ट मैं यूज कर रहा हूँ। इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है और काफी सुंदर रिजल्ट है। हमारा टैंक ये है, एक्वेरियम सही दिख रहा है। ये हमने वाटरफॉल टैंक बनाया, इसमें आगे का शीशा थोड़ा छोटा कम हाइट पे और नीचे एक रिटर्न पंप डाला जो हमारे कूलर वूलर में नॉर्मली यूज हो जाता है, और ऊपर में यहाँ से पाइप लिफ्ट करके एक लंबा पाइप लगा जिसमें अंदर अंदर होल किए हैं। दो स्टेप बनाए हैं। इसके ऊपर में हम कोई भी मनी प्लांट्स है, एक्लोनीमा है, सिंगोनियम है, या कुछ भी इस तरीके के प्लांट जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं। क्योंकि कस्टमर को क्या होता है कि मेरे घर में भी एक कुछ ऐसी थोड़ी जगह हो जहाँ पानी की थोड़ी छलछलाहट हो, साउंड हो, और कुछ मेरे प्लांट्स लग जाए उसके अंदर में। नीचे में मैं थोड़ा मौली वाली गत्ती वगैरह ये छोड़ूंगा, कुछ पॉटिंग प्लांट डालूंगा उसके अंदर में, और दिखने में सुंदर हो जाएगा कि हम घर में अपना एक नेचर ले आए। तो देखते हैं अभी कुछ टाइम के बाद में इसमें क्या ग्रो होता है, किस तरीके से इसमें लगा पाते हैं, बट दिखने में काफ़ी सुंदर बनेगा। और पानी की साउंड तो हर किसी को अच्छी लगती है, और सबसे बड़ी बात हम नेचर को घर में ले आते हैं। चलो भाई, एक्वेरियम गाड़ी में रख दिया, अब इसको एक्वेरियम नाम दिया, इसको एक्वा क्या था, एक्वाफोनिक एक्वाफोनिक होता है ये, एक्वेरियम नहीं है। तो तभी मैं शुरू से एक्वेरियम बोल रहा था कि आप लोगों को आइडिया ना आ जाए, एक्वाफोनिक सिस्टम बोलते हैं इसे। अब प्लांट्स भी ले लिया दिया से, थोड़े बहुत धीरे धीरे करके सेटअप होगा, पर हम जाके जल्दी जल्दी जाएंगे, नहीं कहीं प्लांट्स मर ना जाए, वो रखे हुए प्लांट्स, क्योंकि डेड हो जाते हैं ना जल्दी, गर्मी बहुत है, तो इसे जल्दी जल्दी पोंछते हैं और बढ़िया बढ़िया सेटअप करते हैं, मजे आ जाएंगे। बताना कमेंट सेक्शन में, बताओ कैसा लगा। तो भाई आपने अब तक जहाँ तक देखा था, हम भैया की शॉप में थे, बस वहाँ से हम निकल गए थे एक्वेरियम लेके। उसके बाद अभी मम्मी पापा किसी को नहीं दिखाया हमने, मैंने और आदित्य ने सेटअप कराया बस बढ़िया सा, बस मेरे से रुका नहीं जा। ये मेरी गारंटी है कि एक नंबर की चीज होगी, बट फिर भी आप लोग सच में कमेंट करना अभी के अभी, और लाइक करो यार वीडियो को, अगर आपको ये यूनिक लगी या रेयर लगा कुछ, मतलब कुछ हटके लगा ना भाई, प्लीज आज मैं प्लीज कह रहा हूँ, पक्का कमेंट करके बताओ कि रचित भाई कैसा लगा, ऐसा लगा भाई, वैसा लगा, जैसा भी लगा आपको, अच्छा लगा अच्छा बताओ, गंदा लगा तो गंदा बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बट जरूर बताना, और लाइक होके तो भरमार कर दो इस वीडियो पे, ठीक है। मम्मी पापा को अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाया है, अभी हम मम्मी पापा को तब दिखाएंगे जब इसमें फिश भी डाल देंगे, बट एक बार हम, मैंने सोचा क्यों ना आपको अपडेट दे दूं, अब तक जो मैंने सेटअप करा है, मैंने और आदित्य ने देख दुख के करा है, कुछ अपने दिमाग से करा है, जो अब तक थोड़ी नॉलेज थी उससे सेट करा है, तो ये सेटअप है। ये क्या सेटअप है अब मैं दिखाता हूं आपको, ये आपने देखेंगे झरने होते हैं जो पहाड़ों में, झरने मतलब वॉटरफॉल्स, ये वैसा कॉन्सेप्ट है। इसमें प्लांट्स भी ग्रो करेंगे, ठीक है, और इसमें फिश भी रह सकती है, और अगर कोई टर्टल रखना चाहे ना, कई भाई कह रहे थे लाइव में कि टर्टल रखो, तो ये प्रॉपर टैंक है जिसमें टर्टल भी रख सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा इसमें कि कैसे रख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर उसके लिए जो चीज जरूरी है वो सब मिलेगी उसको, मतलब उसको हीट मिलेगी, जगह मिलेगी जहां पे सूखी जगह हो, जहां पे मतलब कई लोग ना टैंक बना के उसके अंदर डाल देते हैं, कोई जगह नहीं होती टर्टल के लिए कि वो ऊपर आके बास्किंग कर सके। आप लोगों को पता होगी जो टर्टल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मतलब वो धूप से या लाइट से अपने शरीर को गर्म करते हैं, तब उनका शरीर चलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है आगे, ठीक है। अगर मैं टेक्निकली बातों में थोड़ा गलत हो तो थोड़ा थोड़ा हटाना, पर बेसिक प्रोसेस यही होता है। इसका सेटअप ये है कि इसमें एक तो ये हो गया भाई स्टेयर्स बोल रहा हूं मैं, मतलब लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। ये 8 mm का ग्लास है, ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है ये 3 feet है, पीछे बताओ थोड़ा सा पीछे, ये इसकी जो लेंथ है 3 feet है, इसकी ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है इसकी, ये 1.5 feet है, और इसकी जो हाइट है, ये 3 sides से जो हाइट है ये भी 1.5 feet है, और ये 6 inch है या 7-6 inch है, ये वाली हाइट, कम से कम 70-80 liters के बीच में इसमें पानी आया है, ठीक है। अब मैं प्रोसेस दिखाता हूँ कि ये कैसे सेट हो गया चलेगा, ऑन करो करो। पहले मैं बता देता हूँ कैसे आएगा पानी इसमें, ये जो है ये मोटर है, हाँ, और आप में से कई कहोगे भाई फिल्टर का है, फिल्टर का है, तो भाई जो इसका मोटर है, इसका जो आउटलेट है ना यहाँ पे,
इसके अंदर इस आगे की तरफ इसके अंदर ना इसके अंदर स्पंज लगाया भैया ने। मैंने भैया को कहा कि नया स्पंज मत लगाओ मुझे, क्योंकि अभी चलाना है टैंक। तो मैंने कहा कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो जैसे उनका अगर टैंक पहले से चल रहा है, उनके पास जो मीडिया है, जो ये टेक्निकल नॉलेज फिर आ गई है, तो मतलब एक बात होती है भी नया टैंक लाके उसी टाइम मछली नहीं डालनी होती है, ठीक, क्योंकि ना वो जिंदा नहीं रहती, उसमें गुड बैक्टीरियाज नहीं होते। पर मैं पहले ही सब चीज सेट करके आया हूँ, जो ये वाला है इसमें भी बैक्टीरियाज थे पहले भैया का, वही है ये गुड बैक्टीरियाज, इसके अंदर भी गुड बैक्टीरियाज है, अंदर डाल रखे हमने, ठीक है। दूसरा, एक 7 से 8 लीटर जो पानी है, मैं कौन सा लाया हूँ, जो भैया का वो नहीं था जिसमें बहुत सारे प्लांट्स थे, इतना बड़ा टैंक था, आपने देखा होगा वीडियो में, उसके अंदर से 7 से 8 लीटर पानी मैं वहां से लेके आया हूँ, तो वो मिक्स कर रहे हैं। और सारा मैंने पानी कौन सा डाला, इसमें सारा पानी डाला भाई हमने, ये वाला आरओ वाला, उसमें थोड़ा सही रहता है इनके लिए, ये प्लांट्स मेंटेन नहीं रहेंगे, ठीक है। अब क्या प्रोसेस है, यहां से पानी जाएगा, ये वहां से सक करेगा, देखो फिल्टर की तरह सक करेगा, और ज्यादा दिखाऊं तो आपको, देखो इसने कर भी रखा है, मैं गंद निकाल के दिखाता हूँ किसे, ये देखो ये लगा, ये काम कर रहा है अपना फिल्टर वाला, तो ये अच्छी बात है ना, अपना काम अभी से फिल्टर वाला शुरू कर दिया इसने, तो ये फिल्टर वाला काम इसने शुरू कर दिया। मैं एक बार ये साइड में डाल देता हूँ, ये सिंक है साफ करना है मुझे, तो ये फिल्टर वाला एक काम शुरू कर दिया इसने। अब पानी ये वहां से खींचेगा पानी, और ये ऊपर आएगा, और ये जो आप पाइप देख रहे हो इसके अंदर होल्स करे हुए भैया ने प्रॉपर तरीके जैसे है, ये पूरी पीछे तक ब्लैक पाइप जा रही है, यहां से फिर ये पानी रिलीज होगा, वो पानी गिरेगा, फिर यूं गिरेगा, फिर यहां से फिर ये वॉटरफॉल की तरह यहां नीचे गिरेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके कितने फायदे हैं मैं बताता हूँ। पहली बात, प्लांट्स, ये जो पानी वाले पौधे हैं ये चलेंगे, ऑक्सीजन की भरमार होगी हमारे घर के अंदर, मेरे फ्लोर में ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है। दोनों मछलियां और पौधे दोनों एक दूसरे की वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, क्यों करेंगी, जो मछलियों का जो खाना होता है वो फॉस्फेट होता है, और जो मछली जो फीकल मटेरियल करती है वो नाइट्रेट होता है, ठीक है, नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट होता है, समथिंग ऐसे कुछ होता है। वो पानी इस पंप के थ्रू ऊपर से आएगा, तो पौधों को क्या चाहिए होता है, पौधों को फॉस्फेट और यही चाहिए होता है नाइट्रेट, वो अपना इनको अपना खाना मिल जाएगा। ऊपर मैं लाइट भी लगाऊंगा अभी, फिर भी इनफ लाइट है, पर मैं लगाऊंगा अभी, DIY करूंगा, ठीक है, लाइट, और उससे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएंगे, खाना बनाएंगे तो ये नाइट्रेट और फॉस्फेट ये अपने रूट से लेके फिल्टर कर देंगे और पानी बिल्कुल साफ होएगा। तो ये एक नेचुरल जो सीन होता है ना वो है ये सारा। अब मैं ज्यादा टाइम तो मैंने ले लिया, फिर भी भाई मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है ना यार, बिल्कुल भी खुशी का ठिकाना नहीं है, इतनी अच्छी चीज बनी है ना मेरी। ये देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, वहां से पानी गिरने लग गया, ऐसे ऐसे करके देखो सारी जगह पानी गिरने लग गया, ये प्रॉपर मेरा एक्वेरियम है। अब बताना भाइयों कैसा लगा ये सारा सेटअप है, और अभी प्लांट्स और बहुत आएंगे, ठीक है। अभी तो मैं इसमें मैं ये सोच रहा हूँ 2-3 फिश डाल लूं, क्योंकि ये बिल्कुल मेंटेन्ड है, साइक चलता हुआ पानी है, देखो ये देखो कैसा लग रहा है, बताना भाई कौन सी। अभी तो प्लांट्स इधर भी आएंगे इस रैक पे, पूरा रैक खाली है वाला, ठीक है, इसमें भी अभी यहाँ भी आएंगे, जैसे ये है ना यहाँ पे भी आएंगे और इधर भी आएंगे, अभी तो बहुत जगह रह रही है। तो चलो आदित्य इधर आ, सच बताइयो आज तक ये चीज देखी गई ना, फर्स्ट टाइम ही देखी थी, यूट्यूब पे एक जगह देखी थी, वो मैंने नहीं दिखाई, वो मैंने ही दिखाई थी। तो कैसा लगा सच बताइयो, ये अभी तो आपने कुछ भी देखा, अभी प्लांट्स लगेंगे तो और भी मस्त, बहुत अच्छा बनेगा, अभी तो ये स्टार्टिंग है, और अभी शाम को भी और प्लांट्स लेने जा रहे हैं, रेड कलर का प्लांट होगा, उसका नाम नहीं पता, लगाऊंगा फिर आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो भाई जरूर बताना यार, ये चीज मैंने कहीं मतलब, बस चलो ज्यादा बोलो, रेयर है अभी तो और अच्छा बनेगा। दूसरी बात, अभी आप चले फिर फिश लेके आते हैं, फिर मम्मी पापा का रिएक्शन देखते हैं भाई, मानू को भी नहीं पता यार, सबसे बड़ी बात है मानू तो सोई पड़ी है, जब से सो रही है ना वो उठ के ही देखेगी सीधा क्या बना क्या नहीं। हाँ भाई, जैसे कहा था आपको कि हम फिश लेके आएंगे, तो ये देखो ले आए हैं खुद की ब्रीडिंग की फिश है हम देखो मैंने कहा था ना नीमो और डोरा को अलग करना है, तो नीमो नीचे ही है, डोरा अलग से ले आया, अब थोड़ा थोड़ा इसको रेस्ट मिलेगा, नहीं इतने बच्चे पैदा करवा दिए इससे हद पार होगी। पर अब हम एक सौटेली है, दो और मोली है, ये अभी चलेंगी ना इसमें फिर दिखेंगे आपको, और बच्चे भी बहुत सारे आ गए इसमें, दो छोटे भी आ गए, वो अपने आप ही आ गए। चलो मैं डाल के दिखाता हूँ आपको, सारे डाल देते हैं एक बार में, ठीक है।
नीचे से दिया, नीचे से दिखा, यहाँ से दिखा, धीरे धीरे करके छोड़ो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। पहली बार इस टैंक में आई है। पापा जी हाँ भाई, चलो अब तक आपको दिखाया नहीं था, ये मेरी मौसी जी हैं। नमस्ते मौसी। नमस्ते। ये तो मेरे दादाजी। राम राम। राम राम। आ जाओ आपको दिखाता हूँ, आ जाओ पापा जी, आओ दादाजी। रिएक्शन देना कैसा लगा? ये देखो, वाह बहुत सुंदर है। ऐसी चीज देखी है मौसी कहीं आपने? नहीं देखा। सच बताना, देखो आज तक कहीं देखी हो तो बताओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर है तो। और ये देखो मछली, ये बच्चे हैं मछली हो गए, ये उसके बच्चे जो पीछे काले वाली है ना, उसका नाम डोरा रखा हुआ हमने। और ये सारे बच्चे हैं इसके, और ये सारे जिंदा पौधा है, मतलब लाइव प्लांट्स है ये। पापा कैसा लगा? जबरदस्त। सच बताओ पापा, एक नंबर। ऐसी चीज देखी गई? दादा कैसा लग गया? हरिद्वार वाली फील आ गई है। पहाड़ों में जैसे झरने गिरते हैं ऐसे ये पानी गिर रहा है फिर यहाँ से। दादा ओड़े है, हरिद्वार है, हरिद्वार में झड़ झड़ पड़ा है ऊपर पानी, वैसे लग रहा है। अच्छा अच्छा, बताओ पापा। बहुत बढ़िया, खुश हो? वेरी गुड, शाबाश। लो भाई पापा मम्मी को भी ले आए हैं, आ जाओ मम्मी। सच बताड़ा कैसा लगा? देख देख लिया, देखो मुझे जाके मैं को देख लिया। वाह मम्मी मस्त है। सच बताओ, तो फेक रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देना। ये तूने क्या किया, क्या लगाया? ये लावा रॉक्स है। वैसे कैसे लग रहे हैं? अच्छा लगा। नीचे तो देखो सारी नहीं रखी, कुछ रखी है अभी। मस्त अभी अभी भी डाली है ना, तो ये घूमेगी फिर नॉर्मल होगी फिर घूमेगी। अभी तो इसमें बहुत मछली आएंगी, और अभी तो पौधे यहाँ पे भी आएंगे मम्मी, ये वाले दो शेर ना ये यहाँ पे भी पूरे भरेंगे, इधर भी ऐसे ऐसे आएंगे, इधर भी आएंगे। ओस यहाँ पे, ओस नहीं है मोस, पहले इन पत्थरों पे फैल गई। ऑफिस में आया हूँ स्पेशल। सच बताना कहीं मैं ज्यादा वो रिएक्ट हो रहा हूँ? मेहनत करेगा जितनी तेरा खुशी है ना, उतना ही सुंदर है जितना तुम खुश हो। तेरी मेहनत हुई है ना। और मैं सबसे खास बात है, जो तेरे चेहरे पर खुशी है उससे बड़ा और उससे बड़ी खुशी और कुछ है नहीं। जितना तुम खुश है ना उतना ही सुंदर है ये। अब तू आइडिया लगा ले कि कितना सुंदर है। ऑफिस की ड्रेस में ही है पापा, ऑफिशियल ड्रेस में। हमारी लाइव देख रहे थे उधर। हाँ भाई, मेरे पापा का बिजनेस है और मेरी मम्मी की गवर्नमेंट टीचर है। अब वापस मत पूछना कि भाई क्या बिजनेस है, क्या काम करते हो। ठीक है, आदित्य का यूट्यूब चैनल, आदित्य का यूट्यूब चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आदित्य बिस्ला के नाम से है, इसका जाके सब्सक्राइब करो भाई चैनल। आज भी एक नई वीडियो आ रही है। हाँ ठीक है, मेहनती बच्चा है ये भी, बिल्कुल ये रचित की तरह ही मेहनती है बिल्कुल। फिर देखना भाई, हेलो मैडम तो अब आई है, और ये कैसे देखने लग रही है, अभी वहाँ पीछे चली गई थी और अब बैठ के इनको मछलियों को देखने लग रही है, पूरे गौर से देख रही है। उसको ये लग रहा है कि यहाँ पे भी शिष्य है, क्योंकि उस तरह से खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। इसे हेला को मानो कैसा लगा? मैं पहले नहीं देखा था मैं आई ना यहाँ पे, जैसे हेला को लग रहा है इसमें तो हेला स्विमिंग कर सकती है। कमेंट में बताना अगर आप स्विमिंग देखना चाहते हैं हेला की, तो हेला विद मोलीज है, हेला स्विमिंग विद मोलीज, हेला स्विमिंग विद मोलीज। पीछे छुप गई भाई हेला को देख के, देखिए सर आराम से बैठ के जैसे टीवी चल रहा है। मानू ने भी अभी देखा है जब सेट करने के बाद, मैं तो सो गई थी उसके बाद, तो मैं आई ऊपर, तब से मैं नीचे ही नहीं गई। देख रही हूँ मैं ऊपर आई हूँ, तब से मेरा नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा। पता सच में लिटरली मानू ने पता क्या करा, ऐसे करा ऐसे। क्या लगा तुझे शीशे यहाँ पे? मेरे को लगा कि इतना तो तुमने
बढ़िया रिएक्शन दिया यार, मतलब मेहनत रन लाई भैया की भी अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो कितना अच्छा लगा, ये देख लो भैया की टेबल उधर से उठा के इधर लाए हैं, टेबल लगा दी हो रही है अब, ये ढूंढ रहे पंखा लगाने का जुगाड़, इधर पंखा लगा हुआ, रेगुलेटर वगैरह तो लगा हुआ है, तो यहाँ छोटा पंखा तो लग जाएगा, पापा से बात करते हैं बाकी, करते हैं काम।